खबर है दुर्ग भिलाई से, जहां विश्व जागृति मिशन भिलाई दुर्ग मंडल द्वारा ब्रह्मलोक आश्रम परसदा कुम्हारी में कैलाश मानसरोवर का निर्माण किया जा रहा है। इसके शिखर की ऊंचाई 108, लंबाई 160 व चौड़ाई 100 फीट होगी। शिखर को 5 तलों में निर्मित किया जा रहा है। वहीं भूतल पर शिव परिवार विराजेंगे। प्रथम तल पर द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे। द्वितीय तल पर माँ दुर्गा विराजेंगी व सबसे ऊपर तल पर माँ वैष्णवी देवी का दरबार सजेगा। शिखर के सामने मानसरोवर झील का निर्माण किया जाएगा। यह अद्भुत परिकल्पना पूज्य गुरुजी सुधांशु जी महाराज की है। इस पुण्य स्थली के निर्माण के बाद भक्तों को कैलाश मानसरोवर का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। विश्व जागृति मिशन के प्रवक्ता अश्विनी विग ने बताया कि वर्तमान में प्रथम तल का निर्माण पूरा हो चुका है। मिशन के संस्थापक संत सुधांशु महाराज भक्तों को जागृत करने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। विश्व जागृति मिशन भिलाई दुर्ग मंडल के तत्वाधान में 23 से 15 दिसंबर तक भक्ति सत्संग का कार्यक्रम पावर हाउस भिलाई के ITI ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। संत सुधांशु महाराज तनाव रहित जीवन शैली के उपाय और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने मार्गदर्शन देंगे। 13 दिसंबर को सत्संग का शुभारंभ शाम 4:30 से 7 बजे तक होगा। इसके पश्चात 14 से 15 दिसंबर को सुबह 8:30 से 11 बजे तक तथा शाम 4:30 से 7 बजे तक होगा। 15 दिसंबर को मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम रखा गया है। देखिए दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े सुनील सोनी की रिपोर्ट। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सब यहाँ पर मौजूद हुए हैं, प्रिंटिंग मीडिया के भी सब मौजूद हुए। मीडिया कॉन्फ्रेंस में आप लोगों का स्वागत है। स्वागत के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने शहर में विराट प्रदर्शन, विराट भक्ति सत्संग हो रहा है। श्री सुधांशु जी महाराज हमारे जो गुरुजी है, उनका 5वां बार यहाँ पर दुर्ग भिलाई में आगमन हुआ है। इस बार 3 दिवसीय है। 13 से 15 तक यहाँ पर कार्यक्रम है और कार्यक्रम के पहले जो यहाँ पर हमारे मानसरोवर स्थल है वहाँ पर 108 फुट के मंदिर बन रहे हैं, जिसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग सहित कैलाश के सारे रूप यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ऐसा मतलब उम्मीद है कि 108 फुट ऊंचाई जो है ये हमारे भारत में एक कीर्तिमान के रूप में ही साबित होगा, ऐसा भी बोल नहीं सकते हैं। तो उसमें भी हमारे गुरुजी आएंगे वहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर 3 दिन कार्यक्रम होंगे। बंसल जी के निवास पर ठहरेंगे और साथ ही साथ 13, 14, 15 उसमें एक दिन दीक्षा समारोह है। कुछ उस पर जैसे व्यवसाय बिजनेसमैन के लिए भी कुछ किसी दिन संवाद है, कुछ युवाओं के लिए है, कुछ आज के ज्वलंत जो समस्याएं हैं उस पर है, सारे तरह के समस्याओं पर या जो भी भक्ति होता है उस पर उनका रहेगा। हम चाहेंगे कि आप लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा परिवार सहित सबको आमंत्रित करिए, क्योंकि यहाँ पर 25,000 का इंतजाम है। 25,000 डेली आएंगे और 25,000 के साथ जो भोजन है, जैसे बाहर से बहुत दूर से आ रहे हैं या यहाँ के भी है जो भोजन के लिए है, यहाँ पर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था है, नाश्ता की व्यवस्था है। उसके अलावे सारे प्रांत से, कलकत्ता से, बॉम्बे से, कटक से, उड़ीसा से, गुजरात से, सब जगह से आदमी उन लोगों की व्यवस्था किए गए हैं और उस व्यवस्था के सबसे बड़े भागीदारी आप लोग हैं। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। मैं यही कह करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। 25,000 लोग लगभग आएंगे तो कानून व्यवस्था का क्या? कानून व्यवस्था के लिए हम लोग सब जगह क्या कहते हैं, विधि व्यवस्था के लिए हम सब जगह पत्राचार कर लिए हैं। कल हमारे क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी वहाँ पर निरीक्षण भी किए हैं और भविष्य में भी जो VIP आएंगे और जिस तरह के रहेंगे उनके लिए सारी व्यवस्था वो लोग बोले हैं देंगे हमको। और जहाँ तक भक्ति संगीत या विराट संगीत पर जो है, इस पर व्यवस्था तो वहाँ के कार्यकर्ता ही करते हैं, जो रहते हैं वही करते हैं, इसलिए हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है। और JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।